सो फ्रेंड्स, एक मरतबा फिर से वेलकम करता हूँ मैं आपका अपने चैनल अपडेटेड पॉइंट्स में। तो आज की जो ताज़ा ताज़ा चंद ही जो है ना घंटे पहले ख़बर आई है, क्रोम ने वार्न कर दिया है 2 अरब यूज़र्स को कि आप जो है अपना ब्राउज़र अपडेट करें, क्योंकि हैकिंग का जो हिसाब व किताब है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए है गूगल ने जो वार्न किया, उसने कहा है कि अपने क्रोम ब्राउज़र जो है उसको अपडेट करें। तो मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपने क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कैसे करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आपने करना यह है कि आपके पास जो ब्राउज़र है क्रोम का, आपने पहले नंबर पे तो देखना है कि यार मैंने कब जो था इसको अपडेट किया था। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आपने क्या करना है, आपने चले जाना है, क्रोम को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपने ये जो राइट कॉर्नर पर 3 डॉट नज़र आते हैं, इस पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से चले जाना है सेटिंग्स में, क्रोम की जो सेटिंग्स है उसमें चले जाना है। और सेटिंग्स में जाने के बाद आपने करना यह है कि आपने यहाँ से चले जाना है अबाउट क्रोम। आपने यहाँ से फाइंड करना है कि अबाउट क्रोम कहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद। तो अबाउट क्रोम आपको नज़र आएगा नीचे नीचे, तो अबाउट क्रोम में आपने चले जाना है। अबाउट क्रोम में जाने के बाद आपने यहाँ से कर लेना है कि चेक के क्यों हमारा जो वर्जन है वो कौन सा है। तो आपने देखना है गूगल ने जो कहा है कि इससे अबव का जो आपके पास ब्राउज़र है आपको अपडेट करना होगा। तो ये ब्राउज़र जो है आपने ओल्ड यूज़ करना, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपने उसे अपडेट कर लेना है। तो क्रोम ने जो कहा है, उसने कहा है कि जिन यूज़र्स के पास 9.205415.159 जिनके पास ये ब्राउज़र है भाई, वो परेशान ना हो, किसी किस्म का कोई हैकर अटैक नहीं होगा। जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया हुआ वो, उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि उन लोगों ने कैसे अपडेट करना है। आपने पहले यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका ब्राउज़र कौन सा है, उसके बाद आपने चले जाना है क्रोम में जाके आपने टाइप करना है अपडेट क्रोम। तो ये आपने क्रोम के सर्च बार में टाइप करना है, और जहाँ से जो ऑफिशियल आपको नज़र आएगा क्रोम का, आपने ऑफिशियल जो पेज है क्रोम का या वेबसाइट है, आपने वहाँ से जाके इसको अपडेट करना है। तो ये एक आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने इसमें आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से चले जाना है आई वॉन्ट टू अपडेट क्रोम। तो ये पहले नंबर पे तो आपको मेथड बता देगा कि आपने इसको अपडेट कैसे करना है, ठीक है। अपडेट का ये मेथड हो गया, उसके अपडेट का तरीका आपने यहाँ से देख लिया। उसके बाद आपने बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद आपने यहाँ से करना है डाउनलोड क्रोम पे। डाउनलोड क्रोम पे क्लिक करेंगे तो चंद ही सेकंडों बाद जो है एक फाइल जो है आपके सामने डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपने सॉफ्टवेयर साथ करके रखा होगा उसके थ्रू ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट हो जाएगी जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो ये अभी थोड़ा वक्त ले रही है। आपने ये कोई भी जो स्टेप है आपने स्किप नहीं करना। सेटिंग मज़ीद आपको आगे मैं बता देता हूँ कि आपने आगे इसको आइए यहाँ से डाउनलोड होने के बाद ये आगे जो है कैसे स्टार्ट होगा। तो ये आपके पास 1.27 की जो फाइल आ रही है आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये अभी डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना कनेक्ट हो जाएगी इंटरनेट के साथ, और यहाँ से ये खुद ही एक नया वर्जन जो है डाउनलोड करके, मेरे पास स्पीड स्लो आ रही है इस वजह से मैं वीडियो जो है ना पॉज कर दूंगा, ताकि आपको जो अगला स्टेप है वो आसानी जो है मैं ना सिखा सकूं। और जो है आपको इंस्टॉलेशन के बाद आपने अकाउंट वगैरह उसमें जो है लॉग इन करना है। तो अकाउंट की सिक्योरिटी भी, आपने जो क्रोम का जो अकाउंट वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं आपने उसको भी टाइट रखना है, क्योंकि हैकर तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। यही वजह है कि 2 अरब जो यूज़र हैं क्रोम के
उनको जो है वार्न किया है क्रोम ने कि यार आप अपना ब्राउज़र जो है अपडेट करो क्योंकि एक नया वर्जन जो आता है उसमें ज़्यादा हैवी या ज़्यादा हाई किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड की क्रोम करता है। यही वजह है कि उसने कहा कि भाई आप अपना ब्राउज़र अपडेट करो। तो वीडियो को मैं जो है पॉज करने लगा हूँ। अपडेट हो चुका है तो अभी मैं जो है ना पहले वाले जो पेज है मैं उसको क्लोज़ करता हूँ और जो इसका नया पेज है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड्स ऐसा इंटरफेस इसमें है और अकाउंट मेरा ऑलरेडी इसमें लॉगिन है क्योंकि मैंने इसको अपडेट किया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो भी फ्रेंड्स नया है मेरे चैनल को लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम ऐसी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।